यह है हमारा चंद्रमा, लेकिन कई अरब साल पहले इसका निर्माण नहीं हुआ था। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल धूल और गैस से भरा हुआ था। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये सामग्रियां आपस में जुड़कर ग्रहों का निर्माण करने लगीं। पृथ्वी इन बढ़ते पिंडों में से एक थी जो ग्रह बनने के लिए अधिक सामग्री को आकर्षित कर रही थी। पृथ्वी के निर्माण के दौरान थिया नाम का एक प्रोटोप्लैनेट पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। थिया का आकार लगभग मंगल ग्रह के बराबर था। पृथ्वी के पास आते आते यह इतना पास आ गया कि यह हमारी युवा पृथ्वी से टकरा गया। पृथ्वी और थिया के बीच टक्कर बेहद भीषण थी। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इससे जबरदस्त ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। टक्कर से मलबा अंतरिक्ष में उछल गया, जिससे पृथ्वी के चारों ओर पिघले हुए पदार्थ का एक विशाल बादल बन गया। हमारी पृथ्वी मलबे से घिरी हुई थी और कुछ समय के लिए यह शनि ग्रह के जैसी दिखने लगी थी। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण यह मलबा एक साथ आना शुरू हो गया। अंततः एकत्रित होकर इसने एक पिंड का निर्माण किया, जो अंततः चंद्रमा बन गया। जैसे जैसे चंद्रमा का निर्माण जारी रहा, वह समय के साथ ठंडा और ठोस होने लगा। चंद्रमा के निर्माण के बाद पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का विकास जारी रहा। अंततः चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वर्तमान कक्षा में स्थापित हो गया और पृथ्वी की सतह ठंडी और ठोस हो गई। ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने, सितारों तक पहुंचने की हमारी अंतहीन खोज में हमारे साथ जुड़े रहे।